आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, हाउ आर यू, ऑल ऑफ़ यू फाइन? ओके बेटा, दिस इज़ योर सब्जेक्ट इंग्लिश एंड लेक्चर नंबर इज 16। ओके, इन दिस लेक्चर वी विल सॉल्व एक्टिविटी पेजेस ऑफ यूनिट नंबर 5, पेज नंबर 111। On 111 we will solve activity E. Activity E is fill in the blanks. इस activity में हमने ये जो fill in the blanks इस तरह fill करनी है कि ये जो underlined words हैं ना, इनके meaning हमने इस box में से लेकर इनकी जगह write कर देने हैं। Understand? ये activity आपको इस तरह भी आ सकती हैं और इस तरह भी test में ये paper में आ सकती हैं कि ये words अलग write किए हुए हों और इनके सामने आपको option के तौर पर ये words दे दिए जाएँ कि ये ऑप्शन हैं आपके पास, आपने इन वर्ड्स के मीनिंग इन में से देख के इनकी जगह राइट करने या इनके सामने राइट करने हैं। इस एक्टिविटी में है कि हमने अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग हमने तलाश करके उन मीनिंग्स के ऊपर इन वर्ड्स की नंबरिंग कर देनी है। अंडरस्टैंड? जिस तरह टीचर ने की हुई है। तो फर्स्ट चेक करते हैं वर्ड क्या है। द स्टेट ऑफ किंग सुलेमान अलैहिस्सलाम वाज स्प्रेड फार एंड वाइड। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो है स्टेट। स्टेट मीन्स सल्तनत, मतलब ऐसी सल्तनत जिसका सुलेमान बादशाह था, जिस पे हुक्मरानी करता था। तो स्टेट मीन किंगडम, किंगडम पे हम नंबर 1 राइट कर देंगे क्योंकि ये नंबर 1 वाला जो वर्ड है उसका मीनिंग है। नेक्स्ट है ही मैनेज्ड द मैटर्स ऑफ हिज स्टेट विद द हेल्प ऑफ द बर्ड्स एंड जिन्स। वो अपने सल्तनत के स्टेट के जितने भी मैटर्स थे, जितने भी मामलात होते हैं, उनको परिंदों और जिन्नों की मदद से मैनेज करता है। मैटर्स मीन सारे मामलात, अफेयर्स मीन सारे मामलात, ठीक है। नेक्स्ट है वन डे ही वाज एस्टोनिश्ड टू फाइंड दैट द वर्ड हुदहुद वाज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। एक दिन उसने देखा कि उसका जो परिंदा हुदहुद था वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं था। एस्टोनिश्ड। नंबर 3 पे क्या वर्ड है? 4 पे एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड मीन सरप्राइज, हैरान हो जाना, ये देखकर हैरान हो जाना, ठीक है। एस्टोनिश्ड मीन सरप्राइज। नंबर 5 है ही आस्क्ड फॉर हिम फ्रॉम अदर्स। उसने दूसरों से इसके बारे में पूछा, जांच पड़ताल की। आस्क्ड मीन इंक्वायर्ड, तो इंक्वायर्ड पे हम नंबर 5 राइट कर देंगे। इसी तरह ये नेक्स्ट भी हैं, ये भी इसी तरह है कि पैराग्राफ चेंज है लेकिन इनका मतलब यही है कि हमने अंडरलाइन वर्ड्स के मीनिंग जो है ना वो यहाँ से उनकी नंबरिंग कर देनी है। ताहिर वाज अ ट्रेडर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ताहिर जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स का ताजिर था, ट्रेडर था। ट्रेडर में नंबर 1 पे क्या आएगा? मर्चेंट। नंबर 2 है ही सेट अप हिज ओन ट्रेड। ट्रेड में अपना, अपनी तजारत, अपना कारोबार। इन हिज लोकल टाउन, लोकल मीन कोई भी आम जो होते हैं। ट्रेड मीन बिजनेस और लोकल नेटिव मतलब जहाँ का वो रहायशी था, जो उसके लिए जहाँ उसका ज़्यादा आना जाना होता था। ही हायर्ड 2 बॉयज़ टू हेल्प हिम। उसने 2 लड़कों को हायर्ड किया। हायर्ड मीन एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय किया। ताहिर वाज फेम दैट दे कम ऑन टाइम। उसने उनको टाइम पे आने का कहा कि वो टाइम पे आया करें। वाज फेम, वाज फेम का मतलब इंसिस्ट, ठीक है, इस बात पे राज़ी का मतलब इंसिस्ट, ठीक है, इस बात पे राज़ी किया या इस बात पे जोर डाला कि वो टाइम पे ही आया करें। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, द मैकेनिक स्क्रीम्ड इन पेन एज हिज हैंड वॉज कॉट इन द मशीन। जो मैकेनिक था मशीन का वो चीखने लगा। स्क्रीम्ड मीन चीखना चिल्लाना, तो स्क्रीम का मतलब क्या आएगा? स्क्रीम चीखना चिल्लाना, और येल्ड मीन चीखना चिल्लाना, चीखो पुकार, ठीक है।
कि उसका हाथ मशीन में आ गया था, वो इसलिए चीख रहा था। ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड, उसका बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो चुका था, एंड स्टार्टेड शेकिंग बैडली, उसका बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो चुका था, इस वजह से वो उसका हाथ, उसका जिस्म जो था वो शेकिंग मतलब कांप रहा था। नंबर टू में क्या आएगा, शिवरिंग, शिवरिंग मीन कांपना। द पीपल इन द फैक्ट्री वॉन्टेड टू शिफ्ट हिम टू अ हॉस्पिटल, दे वर अनसर्टेन वेदर टू टेक अ टैक्सी और कॉल एन एम्बुलेंस। उन्होंने मतलब कि किसी एम्बुलेंस और टैक्सी को लिया उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो अनसर्टेन मतलब हेजिटेंट, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, इट वाज नाइट बिफोर ईद उल फितर, आई वाज मैनी बायर्स एट अ शॉप, आई सॉ मैनी बायर्स एट अ शॉप। ये ईद उल फितर से पहली वाली रात ही, मतलब जैसे जिस चांद रात हम कहते हैं, तो मैंने बहुत सारे खरीदार को दुकानों पर देखा। देयर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेस्टी वराइटीज कैप्ट इन पेंस, टेस्टी मीन डिलीशियस नंबर वन, ये आपने वर्ड मीनिंग में भी ये वर्ड पढ़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स सीम्ड सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन कॉन्टेंट, ये आपने वर्ड मीनिंग में भी ये वर्ड पढ़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स सीम्ड सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन कॉन्टेंट, ठीक है, जो मुतमईन होते हैं, जिस बात से हम राजी होते हैं, एग्री करते हैं। बट सम ऑफ देम शाउटेड फॉर देयर ऑर्डर्स, लेकिन कुछ अपने ऑर्डर्स के लिए चीखो पुकार में लगे हुए थे। अ बॉय इन टॉर्न क्लॉथ्स, टॉर्न मीन फटे पुराने कपड़ों में, वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो उनके पास खड़ा था। टॉर्न मीन नंबर थ्री पे टैटर्ड, फटे पुराने। क्लोज वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, क्लोज बाय मीन नियर बाय, बहुत ज़्यादा पास खड़ा था। ही लुक्ड सैडली एट द स्वीट्स इन द शॉप, वो बड़ी उदासी से मिठाई को, मिठाई की दुकान पर मिठाई को देख रहा था। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही लेफ्ट क्वाइटली विद टीयर्स इन हिज आइज, कुछ देर बाद उसने दुकान को छोड़ दिया आंखों में आंसू लिए हुए, कि मतलब वो रोता हुआ वहाँ से चला गया, क्योंकि वो गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे सब कुछ लेने के लिए। लेफ्ट मीन छोड़ जाना, लेफ्ट मीन डिपार्टेड, ओके। सेम लाइक दिस यू विल सॉल्व दिस एक्टिविटी ऑन योर बुक, देन वी विल सॉल्व पेज नंबर 113 पे। बेटा एक्टिविटी ए है, सेपरेट द सेंटेंसेज इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक सेंटेंस पूरा है, इस सेंटेंस को हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सेपरेट करना है, मतलब सब्जेक्ट को अंडरलाइन करके अलहदा उसके ऊपर सब्जेक्ट लिख देना है, और जो बाकी प्रेडिकेट सेंटेंस है उसके ऊपर हमने प्रेडिकेट राइट कर देना है। सब्जेक्ट मीन वो होता है जो काम करने वाला होता है, जो उर्दू में जिसको फाइल कहते हैं, ठीक है, जो मतलब कि काम कर रहा होता है, अच्छा जी। और प्रेडिकेट कहते हैं उस काम को या जिस पे काम हो रहा होता होता है उस चीज़ को, ठीक है। मतलब हमने देखना है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, किस चीज़ पे काम कर रहा है, क्या उसका मकसद है, ठीक है, वो सारा जो होगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट। चलें नंबर वन पे है, माय ब्रदर पुश्ड द आर्म चेयर, को अंडरलाइन करके उसको, इसके ऊपर सब्जेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में राइट कर देंगे, SUB डॉट, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। इसी तरह प्रेडिकेट में हम लोग क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस को अंडरलाइन करके उसके ऊपर PRE डॉट लिख देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट में है, अमीन वेंट टू द बार्बर शॉप टू गेट हिज हेयर कट, अमीन जो था वो बार्बर की शॉप पे अपने बाल कटवाने गया। अमीन जो है वो गया ना, तो ये सब्जेक्ट हुआ, और उसने बाल कटवाने थे बार्बर की शॉप से कटवाने थे, तो ये सारा अंडरलाइन करके हम इसके ऊपर क्या लिख देंगे, प्रेडिकेट। नंबर थ्री में है, अजहर वर्क्स इन अ टेलर्स शॉप, अजहर जो है वो टेलर्स की शॉप पे वर्क करता है। तो अजहर सब्जेक्ट हुआ, वर्क्स काम करता है टेलर्स शॉप, दर्जी की दुकान पर, तो ये प्रेडिकेट हो गया, इसके ऊपर हमने PRE डॉट लिख देना है, इट्स मीन के ये प्रेडिकेट है। नंबर फोर है, द बंच ऑफ ग्रेप्स,
is hanging on the grapevine. अंगूरों का जो गुच्छा है वो अंगूरों की बेल के साथ लटक रहा है. कौन लटक रहा है? अंगूरों का गुच्छा, ग्रेप्स. तो ये सब्जेक्ट उसमें क्या हुआ? द बंच ऑफ ग्रेप्स इज हैंगिंग ऑन द grapevine. ये है प्रेडिकेट. नंबर फाइव है द बर्ड एट द वर्म. बर्ड जो है वो कीड़े मकोड़े खाता, परिंदा खाता है. तो हम कौन खाता है? बर्ड. तो बर्ड सब्जेक्ट हुआ. क्या करता है वो? एट द वर्म, वर्म खाता है. ये प्रेडिकेट हो गया. सब्जेक्ट को अलहदा कर दिया, प्रेडिकेट को अलहदा कर दिया, और उसके ऊपर ये दोनों के शॉर्ट फॉर्म में नेम राइट कर दिया. नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन का मतलब है, पता है ना आपको, ये एक्टिविटी आपने पहले कई दफ़ा सॉल्व की होगी. प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब बेटा ये होता है जिससे हमें पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ है. मतलब के वो किसी चीज़ के ऊपर है, नीचे है, साइड पे है, दूसरी साइड पे है, उसके इर्द गिर्द कहाँ पड़ी है. ठीक है, ये प्रीपोजिशन वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं. ये हैं अंडर, ओवर, इन, ऑन. दीज प्रीपोजिशन वर्ड्स वी विल यूज इन दीज गिवन ब्लैंक्स. ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, फर्स्टली वी विल रीड आउट द सेंटेंस. नंबर वन इज द नीडल्स आर डैश द पैकेट. सुइयां, नीडल्स मीन सुइयां. सुइयां जो हैं वो पैकेट के अंदर होती हैं ना, पैकेट में होती हैं. तो में के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इन. द नीडल्स आर इन द पैकेट. सुइयां जो हैं वो पैकेट में हैं. द मैन वाज स्लीपिंग. आदमी सो रहा है. डैश द अम्ब्रेला. छतरी के नीचे सो सकते हैं ना अम्ब्रेला. अम्ब्रेला के नीचे ही इंसान सो सकते हैं, उसके ऊपर तो नहीं. या ये कि उसको धूप में या बारिश में साथ रख लें और उसके साइड पे सो जाएं. अम्ब्रेला हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम पे धूप ना पड़े, या कि बारिश हो रही तो हम पे बारिश ना पड़े. उसको अपने ऊपर यूज़ करते हैं, हम उसके नीचे होते हैं. तो इट्स मीन यहाँ क्या आएगा? अंडर. द मैन वाज स्लीपिंग अंडर द अम्ब्रेला. नंबर थ्री इज द रैबिट जंप्ड डैश द बुश एंड डिसअपियर्ड इन द जंगल. अब वो बुशेस के साइडों पे या बुशेस के अंदर या बुशेस के इर्द गिर्द रैबिट जो है वो जंप करता है और जंगल में गायब हो जाता है. तो यहाँ वर्ड क्या आएगा? ओवर. द रैबिट्स जंप्ड ओवर द बुश एंड डिसअपियर्ड द जंगल. बुश छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं ना, तो वो उसके अंदर भी जा, अंदर से भी गुजर सकता है, साइडों से भी, उसके ऊपर से भी जंप लगा सकते हैं. तो इस तरह यहाँ क्या वर्ड आएगा? ओवर. नंबर फोर है द वर्कर्स पुट द सीमेंट बैग्स डैश द ग्राउंड. वर्कर्स ने सीमेंट बैग जो थे वो ग्राउंड मतलब ज़मीन पर रख दिए, फर्श पर रख दिए. तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऑन. ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर रख दिए. द बर्ड्स फ्लू डैश द कोप रख दिए. तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऑन. ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर रख दिए. द बर्ड्स फ्लू डैश द कोकोनट ट्रीज. बर्ड्स जो हैं वो कोकोनट ट्रीज के इर्द गिर्द या ऊपर घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं. तो यहाँ भी क्या वर्ड आ जाएगा? ओवर. अंडरस्टैंड, दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो कम्प्लीट. नेक्स्ट एक्टिविटी इज सी. एक्टिविटी सी इज मेक प्रॉपर सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है? वाज और वर का यूज करना है. नाउ वी विल चेक दैट कि हम वाज किसके साथ यूज़ करेंगे और वर किसके साथ यूज़ करेंगे. ये आपको पहले भी एक्टिविटी करवाई हुई होगी टीचर ने, और आपको पता होगा कि जो सिंगुलर होते हैं ना, जो सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं उसके साथ हम वाज यूज़ करते हैं, और जो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं? वर यूज़ करते हैं. अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अब हम इसको या तो मैच कर लें या इनके सामने वैसे राइट कर लें. मैंने सामने इसलिए राइट कर लिए कि आपको देखने में और समझने में इजी हो. आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. शी वाज शिफ्टिंग द वॉशिंग मशीन, वो वॉशिंग मशीन को शिफ्ट कर रही थी. तो फैल वाज मेंडिंग द शूज़, तो फैल शूज़ सिलाई कर रहा था. ही वाज फीडिंग द बर्ड्स, वो परिंदों को खाना खिला रहा था. यू वर पॉलिशिंग द शूज़, तुम जूता पॉलिश कर रहे थे. दे वर कटिंग द वेजिटेबल, वो सब्जी काट रहे थे. वी वर राइडिंग द बाईसाइकिल नियर द लेक, हम लेक के पास साइकिल चला रहे थे, साइकिल की सवारी कर रहे थे.
असद एंड हमजा वर चैटिंग, असद और हमजा क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अंडरस्टैंड? ओके बेटा, दिस यूनिट इज ओवर। ये नेक्स्ट वाले जो पेजेस हैं ये हमने सॉल्व नहीं करने, पेज नंबर 113 तक करना है, ठीक है? ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। नाउ लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। हेयर यू कैन सी द एप्लीकेशन इन रिटन फॉर्म ऑन द वाइट बोर्ड। बेटा एप्लीकेशन राइट करते वक्त आपने बिल्कुल यही पैटर्न जो है ना ये यूज़ करना है, ठीक है? ये आपको पहले भी आप लोगों ने एप्लीकेशन जो है वो बहुत दफ़ा की होगी, 2 क्लास में भी 3 क्लास में भी, ठीक है? लेकिन मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि जिस वे में, जिस पैटर्न के मुताबिक ये एप्लीकेशन राइट की हुई है, आपने भी सेम ऐसे ही राइट करनी है। अंडरस्टैंड? ओके जी, अब देखते हैं टॉपिक, एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, द प्रिंसिपल कॉमा, ठीक है? फिर नेक्स्ट पूरी लाइन छोड़ देनी है। सेकंड लाइन पे द डॉक्टर्स कॉमा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कॉमा रहीम यार खान फुल स्टॉप रिस्पेक्टेड सर कॉमा। नेक्स्ट है एक टी स्टेटिव, ये हमने सर के आगे जो कॉमा लगाया है उसके बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है? लाइन के शुरू से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि लाइन की थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर आगे से स्टार्ट कर देना है। इट इज स्टेटेड दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। आपको इस बात से मुतला किया जाता है या आगाह किया जाता है या बयान किया जाता है कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। सो के बाद कॉमा, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकती या आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, मेहरबानी फरमाकर मुझे एक यौम की रुख्सत अनायत फरमाई जाए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार होऊंगा। योर्स ओबीडियंटली कॉमा x.y.z. यहाँ आप लोगों ने अपना नेम भी राइट कर सकते हैं और ये x.y.z. भी राइट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है क्लास 3 येलो, जो भी आपका सेक्शन नेम होगा वो राइट करेंगे। फिर है डेट July 27, 2020। डेट राइट करने का भी यही पैटर्न है कि आपने पहले मंथ नेम राइट करना है, फिर डे जो भी डेट आपकी होगी वो राइट करनी है, उसके बाद आपने ईयर राइट कर देना है। अंडरस्टैंड? आफ्टर कम्प्लीट द राइटिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन यू विल लर्न दिस एप्लीकेशन विद स्पेलिंग एंड विद द कॉमाज एंड फुल स्टॉप ऑल्सो, ताकि आपके माइंड में रहे, जब आप टेस्ट वगैरह दें तो आपके माइंड में हो कि कहाँ कॉमाज आना है और कहाँ फुल स्टॉप आना है। ओके, नाउ आई एम शोइंग यू अ डायरी ऑफ दिस वीक, यू विल फॉलो दिस डायरी। ओके, दिस इज योर वीकली डायरी शेड्यूल। At Monday, solve page number 111 and 113 on book. फिर है test diary. Test of reading, page number 101 से लेके 103 तक, question number 5 to 8, और activity G जो है वो page number 107 पे, 108 पे activity H, 109 पे activity A और 110 पे activity C. ये बेटा साथ साथ जो जो activities आपने करनी है वो activities मैंने manage कर दी हैं, लिख दिए, और जिस जिस पेज पे हैं वो पेज राइट कर दिए, ठीक है? इसका आपको आपका ट्यूसडे को टेस्ट होगा, ट्यूसडे को टेस्ट ले लिया जाएगा एट वेनसडे। लर्न प्लस राइट एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। वेनसडे को आपने फुल एप्लीकेशन जो है ना वो नोटबुक के ऊपर नीट राइटिंग में राइट कर लेनी है। एट थर्सडे यू विल लर्न फर्स्ट हाफ एप्लीकेशन, मतलब ठीक है अगर आपको पूरी याद होती है तो वेरी गुड, लेकिन जो हाफ एप्लीकेशन है वो थर्सडे को लाजमी लर्न करनी है, और फ्राइडे को बाकी हिस्सा याद करके तो ये पूरी एप्लीकेशन आप लोगों ने अच्छी तरह रिवाइज कर लेनी है। एट सैटरडे लर्न ओरल टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये आपके दोनों पार्ट हो गए ना एप्लीकेशन के, फ्राइडे को लर्निंग पूरी हो गई है, तो सैटरडे को आई विल टेक टेस्ट, ओरल टेस्ट फ्रॉम यू, ओके, ऑफ दिस एप्लीकेशन। मतलब आप ये एप्लीकेशन का ओरल एप्लीकेशन मम्मा को या किसी को सुनाएंगे और इसका जो वॉइस मैसेज है ना वो टीचर को सेंड करेंगे। अंडरस्टैंड? This lecture is over. Goodbye. Best of luck. Allah Hafiz. Application with spelling and with the commas and full stop also. ताकि आपके mind में रहे, जब आप test वगैरह दें तो आपके mind में हो कि कहाँ commas आने हैं और कहाँ full stop आना है. Okay, now I am showing you a diary of this week. You will follow this diary, okay? This is your weekly diary schedule.
एट मंडे सॉल्व पेज नंबर 111 एंड 113 ऑन बुक. फिर है टेस्ट डायरी, टेस्ट ऑफ रीडिंग पेज नंबर 100 से लेके 103 तक, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 और एक्टिविटी जी जो है वो पेज नंबर 107 पे, 108 पे एक्टिविटी एच, 109 पे एक्टिविटी ए और 110 पे एक्टिविटी सी. ये बेटा साथ साथ जो जो एक्टिविटीज़ आपने करनी है वो एक्टिविटीज़ मैंने मैनेज कर दी हैं, लिख दिए हैं, और जिस जिस पेज पे हैं वो पेज राइट कर दिए. ठीक है, इसका आपको आपका ट्यूसडे को टेस्ट होगा, ट्यूसडे को टेस्ट ले लिया जाएगा एट वेनसडे. लर्न प्लस राइट एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. वेनसडे को आपने फुल एप्लीकेशन जो है ना वो नोटबुक के ऊपर नीट राइटिंग में राइट कर लेनी है. एट थर्सडे यू विल लर्न फर्स्ट हाफ एप्लीकेशन, मतलब ठीक है अगर आपको पूरी याद होती है तो वेरी गुड, लेकिन जो हाफ एप्लीकेशन है वो थर्सडे को लाजमी लर्न करनी है, और फ्राइडे को बाकी हिस्सा याद करके तो ये पूरी एप्लीकेशन आप लोगों ने अच्छी तरह रिवाइज कर लेनी है. एट सैटरडे लर्न ऑरल टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन. ये आपके दोनों पार्ट हो गए ना एप्लीकेशन के, फ्राइडे को लर्निंग पूरी हो गई है, तो सैटरडे को आई विल टेक टेस्ट, ऑरल टेस्ट फ्रॉम यू, ओके, ऑफ दिस एप्लीकेशन. मतलब आप ये एप्लीकेशन का ऑरल एप्लीकेशन मम्मा को या किसी को सुनाएंगे और इसका जो वॉइस मैसेज है ना वो टीचर को सेंड करेंगे. अंडरस्टैंड, दिस लेक्चर इज़ ओवर. गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.